नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। मजाल खंड कॉपर माइंस के मजदूर यूनियन संघ के महासचिव एस एन झा ने अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान लगाते हुए बताया कि विगत कई वर्ष पूर्व मजाल खंड कॉपर तम्र परियोजना के अधिकारियों द्वारा बहुमूल्य धातु उत्पादन के नाम पर केंद्र सरकार से सैकड़ों करोड़ रुपए स्वीकृत कराया गया और बहुमूल्य धातु उत्पादन के संयंत्र का निर्माण का जिम्मा स्टार ट्रस्ट प्राइवेट कंपनी को दिया गया, लेकिन यहाँ संयंत्र आज तक चालू नहीं किया गया। बता दें कि यहाँ संयंत्र सैकड़ों करोड़ों रुपए की लागत से बनकर क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए सहयोगी होता, लेकिन लंबे समय से संयंत्र में कोई हलचल या कार्यवाही होते नहीं देखा जा रहा, जिससे शंका उत्पन्न हो रही है। शंका का कारण यह भी है कि इसी कंपनी के अन्य राज्य राजस्थान के यूनिट में इस विधि से ठेकेदार द्वारा प्रयोग उपरांत भी सफल न होने पर इस तरह का पुनः मजाल खंड में करना शंका पे शंका को दर्शाता है। इसे शीघ्र सार्वजनिक नहीं किया गया तो माना जाएगा कि सैकड़ों करोड़ रुपए का बंटर बांट किया गया है। इसे यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगा और विशाल आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी मजाल खंड कॉपर माइंस की होगी। सिंधी टोला बोयरखेड़ा, जो कि ताम्र परियोजना मलाजखंड के किनारे में बसा हुआ बस्ती है, इनका बहुत ही दुखदायी स्थिति है। चूँकि प्रदूषण के कारण इनके खेत खलिहान मवेशी से लेकर के मानव तक प्रभावित रहा है, जिस विषय में अनेकों वर्ष से हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। एक समय ऐसा आया था कि हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय गणपत सिंह के जी के नेतृत्व में जिला बालाघाट के कलेक्टर महोदय का एक कमेटी भी गठन किया गया। वो कमेटी बहुत तरह का बैठक किया, बहुतों बार बैठक हुई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। छोटे छोटे चेक 2,500-3,000 कुछ कुछ पैसे देकर के इन लोगों को बरगला दिया जाता रहा। और अभी भी जब वहाँ के कुछ युवा जब हल्ला करते हैं तो पुनः कहीं कहीं डेली वेज में उनको रख लिया जाता है, जो कि उनके साथ न्याय नहीं है। हमने कलेक्टर कमेटी में भी यह बात उठाया था कि जिस तरह से पूर्व में भूमि अधिग्रहण करके अन्य लोगों को नौकरी सहित अन्य सुविधाएं मुआवजा दी गई थी, वो दिया जाए, लेकिन न जाने क्या हुआ फिर, इसका मुझे पता नहीं चला। लेकिन वर्तमान में भी देख रहा हूँ कि जो 25 साल पहले 20 साल पहले से जो दशा था छिंदी टोला बोरखेड़ा का, वही अभी भी है। मैं तो मैनेजमेंट से या प्रशासन से जो भी इसके निर्णायक हों उनसे अनुरोध करूँगा कि उन मजबूर ग्रामवासियों के तरफ ध्यान दें। और उस बस्ती को तो ये पानी का कंटेनर दे देने से या टिफ़िन कैरियर देने से या हॉटपॉट देने से समस्या समाधान नहीं होना है। इसलिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।